स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चंदनम वंदयते नित्यं पवित्रं पापनाशं आपदा हरते लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय विश्वनाथ। आचार्य जी तुम आ गए। हम है आचार्य जी, बत्ती अभी नहीं आयल हो। हुँ।
बजा बुधाई सात बज गए डॉक्टर बाबू इतना दवाई दे देलन डॉक्टर बाबू कहत रहन के मलकिन के बुलवा ले तो कोई जरूरत नहीं जेंटा माई सीन एक गिलास और ले आना है हाँ ना मालिक अभय ले आवा थे देवरिया एक फोन कर देना हलाल मन को कहना बुलाया है गुरुदेव प्रणाम मैं आपका शिष्य जनार्दन जोशी जनार्दन तुम आ गए तुम मेरे सबसे निकट रहे हो इसीलिए बुला भेजा बैठो तुम मेरे सबसे प्रिय हो जनार्दन मेरा अंत आ गया जनार्दन गुरुदेव ये संसार असार है और ये शरीर नश्वर है हाँ जनार्दन यही पड़ा है यही पढ़ाता आ रहा हूं बड़े बड़े व्रत और संयम से मैंने इस शरीर को पाला है लेकिन लेकिन अभी मेरी उम्र ही क्या है कोई 75 साल मृत्यु मृत्यु से बड़ा बड़ा भय लगता है जोशी आप ठीक हो जाएंगे गुरुदेव दिल छोटा मत कीजिए मैंने हमेशा ध्यान रखा है कि
क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या छूना है क्या नहीं छूना है। अपने परिवार वालों के सिवाय मैंने कभी किसी के हाथ का भोजन नहीं किया है। सारे संसार में मैं भारतीय दर्शन का विशेषज्ञ माना जाता हूँ, लेकिन मृत्यु पर कोई वश नहीं है। अब तो तन ने जवाब दे दिया है, मन ने जवाब दे दिया है, और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। दिल छोटा मत कीजिए गुरुदेव, मेरे लिए क्या आदेश है? जनार्दन, मेरे तकिए के नीचे एक मोटी कॉपी रखी है, निकालो उसे, वसीयत है मेरी। इसे लागू करवाने के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। सुनो, मेरे प्रारंभ होते ही ये वसीयत लागू हो जाएगी। बुधई लालमणि कहाँ चले गए सब के सब? क्या पढ़ रहे हैं जोशी जी? ये तुम्हारे पिता की वसीयत है, जिसे पढ़ना जरूरी है इसी वक्त। इसमें लिखा है, मैं चूड़ामणि मिश्र आदेश देता हूं कि मेरा अंतिम संस्कार सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार हो। अपने अंतिम संस्कार के लिए मैंने 1,00,000 की रकम अपनी अलमारी में अलग निकाल रखी है। जो क्रियाकर्म का व्यय काट कर मेरा अंतिम संस्कार करने वाले को मिलेगी। मुझे खेत के साथ कहना पड़ता है कि मेरे दोनों पुत्र अधर्मी और नास्तिक हैं। मेरा क्रियाकर्म करने का उत्तरदायित्व लालमणि पर है, और आगे लिखा है, लेकिन मेरा आदेश है कि मेरा क्रियाकर्म वही कर सकता है जो यज्ञोपवीत धारण किए हो और जिसके सिर पर शिखा हो। लालमन, चुटैया तो है नहीं तुम्हारी, जने वने पहने हो कि नहीं? अरे चुटैया रख के कहीं स्टेट बैंक की मैनेजरी होती है, और जनेऊ तो हर हफ्ते मैला हो जाता है। तब तो गए 1,00,000 हाथ से। तुम्हारे बाद नीलमणि का नंबर है,
अरे उसके चुटैया है ना जनेऊ, और उसके बाद होगा हमारा चचेरा भाई जगतपति मिश्र राजजूत जी, निहायत झूठा आवारा और पाखंडी। ग्राहक फंसाने के लिए बालिश भर की चुटिया रखी हुई है और मोटा सा जनेऊ पहनता है झूठी कस्में खाने के लिए। हाँ, एक बार मुझसे भी 50 रुपए ऐंठ ले गया था। हमारी सलाह मानो लालमन, अपने बाल छटवा लो तत्काल। 1-2 इंच की चुटिया तो निकल ही आएगी, लौटते हुए एक जनेऊ भी खरीद लाना। हो बबुआ, बाल ऐसन काटो कि चुटैया भी निकल आए और बाल भी ना कटाने पड़े। ऐसन कैसे होई साहब, बारवा तो कटाई ही के पड़ी। चूड़ामणि मिश्र चाहता हूं कि मेरी मृत्यु की सूचना मेरी पत्नी जसोदा देवी, मेरे पुत्र लालमणि तथा नीलमणि, मेरी पुत्रियों सरस्वती सावित्री और सौदामिनी तथा मेरे भतीजे जगतपति और लोकपति को दे दी जाए। इनकी प्रतीक्षा 24 घंटे तक की जाए। इसके बाद मणिकर्णिका घाट पर मेरे शरीर का दाह संस्कार हो। मेरे दसवें के दिन समस्त सगे संबंधियों की उपस्थिति में मेरी वसीयत का शेषांश पढ़ा जाए, पहले नहीं। अरे आवत है भैया, आवत है। राम राम शंकर भैया। राम राम काका, मजे में हुआ ना? ठीक है बा भैया, सीधे गौवा से चलाओ थे इनका। हाँ काका, हाँ काका, अचानक जिसे कुछ काम रहल, दादा घर ही में हुए ना। का कहीं शंकर भैया, वो तो भगवान के घरे चल गई। आज 10 दिन हो गए भैया, 10 दिन हो गए। का कहत हुआ भैया? अब भाई 2 दिन पहले तो आचार्य जी हमें सपने में दिखाए रहलन, बड़े बड़े खुशी से हमसे बतियौले रहलन। कौनो खास बात रहल भैया? अरे का कही भैया, 3 बरिस से लड़कवा बीए में फेल होत हो। सोच के आयल रहली आचार्य जी कुछ मदद करी है, कुछ नंबर उम्बर बढ़वाए दिए तो पास हो जाए। बाकी लगत हो कि अपने लड़कवा का तकदीर खराब हो, जैसन भगवान का मर्जी। हाँ भैया, जैसन भगवान का मर्जी। सब लोग आ गए ना? हाँ, जगतपति अभी तक नहीं आया। अरे उसका क्या ठिकाना, आप आराम कीजिए, वैसे उसके लिए मैंने कुर्सी खाली रखी है। देख लेना, जगतपति नहीं आएगा। आएगा, जरूर आएगा। नहीं आएगा। आएगा। नहीं आएगा। आएगा बाबा। लगी शर्त? कितने की? 500 की। डन। और उसके साथ एक पिक्चर भी। डन।
पहले दो अनुच्छेदों पर अमल हो चुका है, अब तीसरा अनुच्छेद। एक मिनट जोशी जी, एक मिनट। मेरा एक सुझाव है, मैं चाह रहा था कि वसीयत पढ़ने से पहले हम लोग एक मिनट का मौन धारण करें। माँ उठो, माँ मैं चूड़ामणि मिश्र आदेश देता हूँ कि मेरा अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति की पत्नी 6 महीने तक रोज स्नान करके 11 ब्राह्मणों का भोजन अपने हाथ से बनाकर उन्हें भोजन करवाएगी। जाड़े में सुबह स्नान करके 11 ब्राह्मणों का भोजन बनावे मेरी बला। बूढ़े की सनक पर मैं अपनी जान नहीं दे सकती। यदि वह स्त्री इससे इनकार करती है तो क्रमानुसार ये काम मैं अपनी दूसरी पुत्र वधु और 3 लड़कियों के हाथ में सौंपता हूँ। इसके लिए उस स्त्री को 50,000 रुपए मिलेंगे। पिताजी का आदेश वेद वाक्य है मेरे लिए, जीजी नहीं करती है तो ना करे, मैं उनकी इच्छा की पूर्ति करूँगी। मरियाई इच्छा की पूर्ति करने वाली, कभी ढंग से खाना बनाया है? लखनऊ में तो नौकरों से खाना बनवा कर खाती है, मैं तो रोज 6-7 आदमियों का खाना बनाती ही हूँ, 11 आदमियों का और बना लिया करूँगी, कुल 6 महीने की ही तो बात है। ये तो नहीं लिखा है कि स्नान गर्म पानी से ना किया जाए? ये शर्त लगाना वो भूल गए। तो फिर मुझे ये स्वीकार है, आप आगे पढ़िए। जी जी, ये तो वही बात हो गई, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंठा मेरे बाप का। ठीक है मथुर माँ, ये अधिकार भाभी जी का है। वैसे भाभी जी का मथुर माँ पे आक्षेप अनुचित है। मधुरमा ने पहले 50-50 आदमियों का भोजन अकेले बनाया है, भाभी जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगी। ठीक है, मैं नहीं जाके शब्द वापस लेता हूँ। आप आगे पढ़िए जोशी जी। हाँ जोशी जी, आगे पढ़िए। अनुच्छेद 4, मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी पत्नी जसोदा देवी से जीवन भर परेशान रहा। मैंने तो दाल भात और सत्तू खाकर जीवन बिता दिया, लेकिन ये हरामजादी नित्य ही मुझसे छिपाकर रबड़ी मलाई और मिठाई खाती रही। हाय राम, ये सब लिख गए ले बुढ़वा, ऐसा कंजूस आदमी के पल्ले हम पड़ गए ली, ओके तो नरकों में जगह न मिली। अरे घर वालन के सता सता के ई कुल धन इकट्ठा कर ले बा, नाश होकर
900 900। अम्मा पिताजी को गाली मत दो। जोशी जी आप आगे पढ़िए। मेरी मृत्यु के बाद इस राज को मेरे पुत्रों पर निर्भर रहना पड़ेगा जो अपनी जोरुओं के गुलाम हैं। मेरी ये पुत्र बधुएं इसे भूखों मार देंगी और जसोदा की बिगड़ी हुई आदतों के कारण उसे भयानक कष्ट होगा। इसलिए मैं जसोदा के नाम 400,000 रुपया छोड़ता हूँ जिसके ब्याज पर यह मजे से जिंदा रह सकती है। अरे लाल मनिया कबाऊ, तू तो सड़क में चल गए, हमें ही नरक में छोड़ गए। चिमा करता जो हमसे अपराध हो, चिमा करता कैसे हमके छोड़ गए। अरे लाल मनिया कबाऊ। ये सब कारण बाद में कीजिएगा, अभी तो वसीयत पड़ी जा रही है। अरे लाल बनिया कबाऊ। माँ अरे चुप हो जाइए माँ जी। अम्मा अम्मा चुप करिए, सब देख रहे हैं। माँ चुप करो अम्मा। मलकिन कुछ चाय वाय ले आई? अबे नहीं बुधाई, बैठा। अच्छा मलकिन, मैं अपनी पुत्री सरस्वती के पति ज्ञानेन्द्रनाथ पाठक से अत्यधिक खिन्न हूँ। एक हफ्ता पहले मैंने खबर पढ़ी थी कि विधानसभा में ज्ञानेन्द्रनाथ पाठक के विरुद्ध 1,500,000 रुपए के गबन के मामले में CBI इंक्वायरी की मांग उठाई गई है। इसका अर्थ ये है कि बेईमान होने के अलावा ज्ञानेन्द्रनाथ बेवकूफ भी है। ये बूढ़ा हमेशा का बदमिजाज रहा है, मरने से पहले तो ये पागल भी हो गया था। चलो सरस्वती चलो, इस घर में मेरा दम घुट रहा है। बैठा बिटिया, अरे हम तो है ही ना। चलो अरे, अरे, मत जा। अगर ज्ञानेन्द्रनाथ पाठक की नौकरी चली गई तो इसके पाप की कमाई भी नष्ट हो सकती है, इसलिए मैं सरस्वती के नाम 500,000 रुपया छोड़ता हूँ। लोकपति जाओ, दीदी को बुला लाओ। जी ठीक है। ऐसे नहीं आना चाहिए था। देखा नहीं तुमने कैसी कैसी बातें लिख गया बुड्ढा, सारे के सारे इल्जाम झूठे हैं, झूठे हैं सारे इल्जाम। मैं क्या यहाँ अपनी बेइज्जती कराने आया था? आपका पारा भी तो बहुत जल्दी चढ़ जाता है। हाँ हाँ, मेरा पारा जल्दी चढ़ जाता है। मैं ही तो गुस्से वाला हूँ, तुम भी बात करते हो। अरे दीदी मेरी बात तो सुनिए। अरे दीदी, दीदी। हाँ। अरे दीदी मेरी बात तो सुनिए। अरे ताऊ जी आपके लिए 500,000 छोड़ गए हैं। 500,000 अरे जय जी, आप भी चलिए ना दीदी। हेलो, हाँ उदय, उदय यादव। अरे मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ आइए आइए। मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी दूसरी बेटी सावित्री और दामाद जय नारायण तिवारी से हमेशा संतुष्ट रहा हूँ। जय नारायण आटे और तेल के व्यापार में बहुत बड़ा कमीशन एजेंट है, कंप्यूटर का धंधा भी खोल लिया है। सावित्री और जय नारायण को मेरे शत शत आशीर्वाद।
वसीयत के अनुसार हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं? ये तो नहीं लिखा है, केवल आशीर्वाद ही दिया है। पिताजी हमेशा हम लोगों से जलते रहे, हमारी संपन्नता का बखान करते रहे, उन्हें क्या पता इस साल हमें 5 लाख का घाटा हुआ है। क्यों घर का कच्चा चिट्ठा खोल लीजिए, घाटा हुआ है तो हमें कोई आराम ज्यादा क्या इस घाटे को पूरा कर देगा? तिवारी जी, काले वाली देना हो तो अपने मजदूरों को देना, यहाँ दोगे तो मुंह तोड़ दिया जाएगा। मुंह तोड़ेगा? हाँ। संजीवन तुम भी इधर होगे फौज में? अरे यहाँ शरीफ लोगों के साथ बैठे हो। यू रास्कल, गेट अप ऐसे, गेट अप। क्या कर देगा? अरे भाई शांत रहिए, क्या कर देगा? शांत रहिए आप लोग, पहले पूरी वसीयत समाप्त हो जाए तब आप लोग एक दूसरे से निपटिएगा। आइए आइए दीदी, आइए दीदी, आ गई, आइए दीदी, आइए जीजा जी, आइए आइए, आप उधर चलिए। अरे बुरा मत मान बिटिया, इनकर तो आदत ही ऐसा न रहल। जगतपति भैया आ गए। हरिओम 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 तत्सत, काशी विश्वनाथ। ताई जी प्रणाम। जिया जिया बैठ। हरिओम 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 हरिओम, जय शिव जय शिव, हरिओम नारायण। ताऊ जी प्रणाम। पाय लगी जी। अजिया बैठा। सुन के बड़ा दुख भइल, हमें तो कल ही पता लगल, आखिरी दर्शनों ना हो पाएल ताऊ जी के। बैठा बैठा बैठा। अरे एक पर बैठा भैया, बैठा भैया। एक बार भैया, मैं चूड़ा मणि मिश्र अपनी छोटी लड़की सौदामिनी का मुंह नहीं देखना चाहता, ये मेरे नाम को कलंकित कर रही है। मैंने सुना है ये मांस भी खाती है, बाल कटे हुए अंग्रेजी में बात करती है, मुझे बताया गया है कि यह कभी कभी सिगरेट और शराब भी पी लेती है, यद्यपि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। हाय रे, ये खूसट बुढ़वा, ये होल में बदलस, हाँ? ये सब छोटे जीजा जी की हरकत है, वो हमेशा पिताजी के कान भरते रहे, इसीलिए तो डैडी ने हमें अपने यहाँ कभी नहीं बुलाया। अरे कोई बचाओ, ये संजीवन उनकी जान ले लेगा। सुवर के बच्चे हमारे यहाँ आते स्कॉच विस्की मांगता है और पीठ पीछे चुगली करता है। रुको रुको सावित्री, मैं तुझे, जमाई जी है ना, संभाल लेंगे। हाँ मैं देखता हूँ। क्या कर रहे हो ये? मैं तुझे चांस से मार दूँगा। छोड़ मुझे, छोड़ अपने आप को। छोड़ भाई, उसकी जान ले लो बेटा। पहले वसीयत पूरी हो जाए तब आप लोग फिर आपस में निपट लीजिएगा। शिव 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 शिव। वास्तु शास्त्र के हिसाब से भवन निर्माण उचित नहीं है। संजीवन तुम गुस्से में पागल हो जाते हो। आप लोगों को इस पवित्र अवसर पर इस तरह लड़ना झगड़ना शोभा नहीं देता, इससे आचार्य की दिवंगत आत्मा को कष्ट पहुंचेगा। पहले मैं वसीयत पढ़ लूं, फिर आप निपटिएगा। अभी 7वां अनुच्छेद पूरा नहीं हुआ है। हरिओम तत्सत। गृह का प्रवेश द्वार भी गलत दिशा में है। शिव 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 शिव, इसीलिए सब कुछ अनर्थ हो रहा है।
मुझे तो लगता है इस घर की शांति के लिए कुछ पूजा पाठ करा लेना चाहिए। लेकिन इस समय मुझे लगता है मुझसे सौदामिनी के प्रति अन्याय हो गया है। एक पतिव्रता स्त्री को जो करना चाहिए वही सब वह कर रही है, और मैं संजीवन पांडे को भी दोष नहीं दे सकता। फौज में बड़ा अफसर है, श्रीलंका में लड़ा, कश्मीर में लड़ा और सौभाग्य से जीवित बचा हुआ है, लेकिन मृत्यु की छाया उसके सिर पर मडराती ही रहती है। इसलिए वह खुलकर मांस मदिरा का सेवन करता है, खुले हाथ खर्च करता है, पास में पैसा नहीं। अगर वो लड़ाई में मारा गया तो सौदामिनी और उसके बच्चों को भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। इसलिए मैं सौदामिनी के नाम 3 लाख रुपए छोड़ता हूँ। धन्य हो पिताजी, तुम जरूर स्वर्ग में जाओगे। तिवारी जी उठिए, उठिए तो सही, माफ कर दीजिए हमें। आप ही की वजह से उस खूंसट बुड्ढे से हमें 3 लाख की रकम हाथ लगी। अब तो गले मिलिए भाई साहब। तुमको शर्म नहीं आती? अपने पिता तुल्य आचार्य को कंजूस बुढ़ा कह रहे हो? बुधाई देखो कौन आया है। देखो बुधाई कौन आया। बुधाई ई के हो? ई टेलीफोन वाला हो मलकिन। हाँ इस्माइल भैया कैसे हो? बस ठीक है। क्या हाल है? फोन ठीक करने आए हो? हाँ कंप्लेंट मिला था फोन का। अरे भाई कोई नया इंस्ट्रूमेंट लेकर आओ। ये तो ताऊजी के जमाने का है, बाबा आदम के जमाने का। मैं बोलूंगा ऑफिस जाके। और रहमत भैया क्या हाल है? बस ठीक है ठीक है। और वो एडमिशन हो गया? नहीं अभी तक नहीं। सब्जी ये तो खुला है। अच्छा तभी तो कह रहा ना भैया कोई नया वाला इंस्ट्रूमेंट लेकर आ जाओ, कहिए तो फोन कर दे। हाँ करी बोल दीजिए ना। आएंगे हम कल। कल आएंगे हम, बात हुई है उनसे हमारी। अच्छा अच्छा ये तो भी चल रहा है। ठीक चालू है। हाँ हाँ बिल्कुल चालू। अब भाई पुराना होगा तो होगा ही। चालू हो गया? चालू हो गया। हाँ वो रहमत भैया वो कहिएगा। हाँ जरूर वो आए हमसे मिलने। जरूर जरूर एक मिनट। एक ये लीजिए हमारी तरफ से 10 रुपए। अरे रखिए रखिए। और आते रहिएगा। जरूर इंस्ट्रूमेंट चेंज करवाइएगा, हम आएंगे कल। आई आई प्लीज। सलाम। मोहल्ले के है ना, देना ही पड़ता है। बुधाई तुम जरा चाय बना लो। और ठठेरी बाजार से समोसे कौन मंगाएगा? समोसे मेरी तरफ से। क्यों तिवारी जी ये हुई ना बात। बबलू भैया, ए बबलू भैया समोसा ले ले। नहीं चाहिए। अरे ले ले भैया। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं। समोसा ले भैया। हाँ आप बोले। हाँ जोशी जी समोसा लीजिए। ना बोले बस एक डबल चाय ला दो, पत्ती तेज मीठा कम। अच्छा जोशी जी ठीक है, अभी ले आया। हाँ
लीजिए तिवारी जी। जा। बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। बुधई, पानी लाओ, टैबलेट लेनी है। अरे सारी साड़ी खराब करके रख दी, गंवार कहीं का। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे जगतपति मिश्र के कष्टों से भली भांति परिचित हूँ। जगतपति राज ज्योतिषी है, लेकिन इसके पास कोई बैठक नहीं है, इसलिए कोई ग्राहक इसके यहाँ नहीं फंसता। इसे घूम फिर कर ग्राहकों को फंसाना पड़ता है। बावजूद अपने झूठ और आडंबर के ये ज्यादा कमाई नहीं कर पाता, इसलिए मैं संकट मोचन के अपने मकान का ऊपरी खंड जगतपति को देता हूँ और 1,00,000 रुपया, जिससे वो अपना एक शानदार साइन बोर्ड बनवा ले, टेलीफोन लगवा ले और अपने पेशे के योग्य पीतांबर आदि वस्त्र खरीद ले। क्या मेरे लिए बस इतना ही? पहले हैसियत बना लो, फिर लखनऊ आना, वहाँ ज्योतिषों की बड़ी पूछ है, हम तुम्हें काफी रकम पैदा करवा देंगे। ये सब बाद में, अभी तो वसीयत का क्रम चल रहा है। हाँ, अगला अनुच्छेद, मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे लोकपति मिश्र से अत्यंत संतुष्ट हूँ। हेलो हेलो, किससे बात करनी है? सौदा में जी, ये कहाँ से बोल रहे? ब्यूटी पार्लर से। सौदाबनी, तुम्हारे लिए फोन है ब्यूटी पार्लर से। हेलो, कौन? रेशमा, डेजी आ गई? हाँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ, काम करवाना है। आई हैव बीन वेयरिंग कर्लस फॉर 2 डेज, यू नो। ओके, आई विल बी देयर विद इन 20 मिनट्स। ओके संजीवन, मैं चली। हाई स्कूल पास होने के बाद ही वह राजनीति में आ गया और राजनीतिक नेताओं की चमचागिरी करके खाने पीने भर को झटक ही लेता है। लोकपति के बारे में आगे लिखा है, लेकिन लोकपति को केवल इतने से संतोष नहीं कर लेना चाहिए, उसे स्वयं एमएलए या मिनिस्टर बनना चाहिए। मैं जानता हूँ कि चुनाव लड़ने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। मैं लोकपति के लिए 5,00,000 रुपयों की व्यवस्था करता हूँ, ताकि वह अगला चुनाव लड़ सके। अपनी मक्कारी, छल कपट और गुंडागर्दी के बल पर लोकपति प्रदेश का ही नहीं, भारत वर्ष का बहुत बड़ा नेता बन सकता है। साहू जी, आपने जो मेरे चरित पर लाछन लगाया है, वो सरसर अपने भ्रम के कारण, लेकिन लेकिन मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। 11वां अनुच्छेद, मैं चूड़ामणि मिश्र अपने सेवक बुधई से बहुत संतुष्ट हूँ, जो गत 20 वर्षों से मेरे अंत समय तक बड़ी लगन के साथ मेरी सेवा करता रहा। भोजन ये मेरे यहाँ करता था, वस्त्र ये मेरे पहनता था, अपनी तनख्वाह ये पूरी की पूरी अपने घर भेज देता था। तो मैं आदेश देता हूँ कि मेरे समस्त वस्त्र सूती, रेशमी और ऊनी बुधई को दे दिए जाएं। भंडार घर में जितना भी अनाज, घी, चीनी है, वह सब भी बुधई को दे दिया जाए और मेरी ओर से 2,000 रुपए देकर उसे विदा कर दिया जाए। बुधई, कितना सामान वहाँ भंडार में? मलकिन, एक बोरा चावल, 2 बोरा गेहूँ, 5 किलो घी, 2 पीपा सत्तू और 1 पीपा तेल हुई, थोड़ी बहुत दाल हुई। मलकिन, लाल मनी, तेरे ही किसी ने जान भोज हुई,
की सामान वही में काम आई, मुझे के कैसे दिखल जाए सकत हो। भोज का प्रबंध लालमणि को करना है, इसके लिए इन्हें 1,00,000 रुपया मिला है। हाँ, यदि लालमणि क्या है तो बुधई से यह अनाज बाजार भाव पर खरीद सकता है। वो सब बाद में देखा जाएगा, पहले आप वसीयत का शेषांश पढ़िए। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने मकान के रूप में अचल संपत्ति तथा बैंक में जमा 45,00,000 रुपयों की चल संपत्ति का स्वामी हूँ। इस राशि पर मृत्यु कर देने के बाद वसीयत में निर्धारित राशियाँ बांट दी जाएं और जो बचे वो आधा आधा लालमणि तथा नीलमणि में वितरित हो जाए। वसीयत समाप्त हो चुकी है, अब एक फुटनोट बचा है अलग से मेरे लिए, अगर आप कहें तो इसे भी पढ़ दूं। क्यों नहीं, उसे भी पढ़िए। मेरे परम शिष्य जनार्दन जोशी, तुम्हारा उत्तरदायित्व केवल इस वसीयत को मेरे परिवार वालों को सुनाना होगा। जहाँ तक तुम्हारा संबंध है, तुम हमेशा भावात्मक प्राणी रहे हो, तुम्हें भौतिक दर्शन पर विश्वास नहीं रहा है। न तुमने सौरिल पढ़ा, न चार्वाक दर्शन पढ़ा है, एकमात्र वेदांत के तुम पंडित रहे हो। मुझे तुमसे कभी कभी ईर्ष्या होने लगती है कि कितना संतोष है तुम्हें, तुम्हारे मन में कितनी शांति है। मैं निःसंकोच कहता हूँ, तुम मेरे सबसे अधिक निकटस्थ हो। अंतिम उपहार के रूप में अपना प्रिय तोता गंगाराम मैं तुम्हें भेंट करता हूँ, जिसे मैंने अपने प्राणों की तरह पाला है। गंगाराम के लिए मैंने चांदी का पिंजरा बनवाया। जब तुम अदालत में इस वसीयत को जमा करके लौटो, तब बुधई से गंगाराम को ले लेना। रस के भरे तोरे नैना, रस के भरे तोरे नैना। आवो सवरिया, आवो सवरिया, तोहे गरवा लगा लूं, गरवा लगा लूं रे, रस के भरे तोरे नैना, रस के भरे तोरे नैना, रस के भरे तोरे नैना। Thank you.
आचार्य तुम पंडित थे इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। करता हूं हे गंगाराम, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं।